छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं में उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। राजधानी के प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउत्तरीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायपुर के सभागृह में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छत्तीसगढ़ गृह मंत्री श्री राम सेवक पैकरा ने मेधावी छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्रदान किया। आगे बढ़े हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उस दिशा में आज कार्यशाला भी है, उनको सम्मान भी किया जाएगा और आज स्थापना दिवस उनको बधाई शुभकामना भी देंगे और अच्छे काम करने वालों को भी शुभकामना देंगे और उनको प्रोत्साहित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्य मंत्री दर्जा छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष श्री मिर्जा एजाज बेग ने की। इस अवसर पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग ने कहा कि मदरसाओं को भवन निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। श्री बेग ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने प्रदेश में संचालित मदरसों को फर्नीचर एवं निःशुल्क गणवेश प्रदान करने की घोषणा की है, जिसके चलते जल्द ही मदरसों में फर्नीचर भेजे जाएंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अब स्कूल की तरह ही टेबल एवं बेंच पर बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। दिवस पर सभी मदरसों को हम लोग फर्नीचर वितरण करेंगे और सभी मदरसों में अलमारी दी जाएगी, सभी मदरसों को गणवेश जो है यूनिफॉर्म दिया जाएगा और साथ ही जो भी मूलभूत सुविधा मदरसों में चाहिए वो भी हम पूरा करने के तत्पर है निश्चित तौर पे मदरसा बोर्ड की ओर से। और आने वाले सत्र में 10वीं 12वीं की जो हमारी पत्राचार की परीक्षा होती है, वो पत्राचार की परीक्षा पहले आर्ट्स की होती थी लेकिन माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है कि कॉमर्स और साइंस भी सब्जेक्ट 12वीं में चालू किया जाए, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये सब्जेक्ट भी हम पत्राचार में चालू कर रहे हैं। कि मदरसा बोर्ड ने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद लगभग 16-17 वर्षों के अंदर में एक विशिष्ट पहचान देश के अंदर में बनाई है और मदरसा बोर्ड का गठन जिन उद्देश्यों के साथ में किया गया है कि उस मदरसे के माध्यम से जो शिक्षा विशेष रूप से जो हमारे मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो शिक्षित हों, उर्दू की भाषाओं की जानकारी हो और शिक्षा प्राप्त करके वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। मुझे लगता है कि राज्य शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयासों से और हमारे मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बेहतर काम किया है और आज प्रदेश के अंदर में बहुत सारे मदरसा बोर्ड संचालित हो रहे हैं। For more updates, subscribe to our YouTube channel, nationupdate.in.